सो हेलो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइज दिस इज शौनक चक्रवर्ती एंड आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वन कंप्यूटर सिस्टम ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास नाइन्थ का ठीक है तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं लाइक वॉट इज कंप्यूटर कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है सो so, जब हम छोटे होते हैं तब हमें ये पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट टू द यूजर राइट तो अभी हम जब बड़े हो गए हैं लाइक क्लास नाइन्थ का जो स्टूडेंट है या क्लास टेन का स्टूडेंट है उसके लिए ये डेफिनेशन इज यू नो क्वाइट इनकम्प्लीट सो लाइक ऐसे तो जो ब्रेड टोस्टर है जो रोटी मेकर है दैस इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सॉरी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड वो भी तो लाइक like, इनपुट ले रहा है रोटी मेकर जो है वो जो है आटा ले रहा है एंड रोटी बना के दे रहा है सो दैट इज नॉट अ कंप्यूटर राइट तो कंप्यूटर एक्चुअली में क्या है सो so, यहाँ पे देखिए जैसे कि डेफिनेशन दिया हुआ है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड परफॉर्म्स टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम ठीक है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर एक्चुअली क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है राइट दैट इज द प्राइमरी थिंग कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस राइट वो क्या करता है दैट प्रोसेसेस डेटा जो कि डेटा प्रोसेस करता है जो भी हम लोग डेटा देते हैं उस उसको इनपुट देते हैं डेटा के फॉर्म में वो डेटा वो प्रोसेस करता है वो प्रोसेस करके प्रोसेस जो आउटपुट है वो हमें प्रोवाइड करता है राइट एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम ठीक है तो जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको प्रोग्राम बोलते हैं ठीक है कुछ टास्क परफॉर्म करता है और जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम तो यहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं जब भी हम कुछ भी करते हैं कंप्यूटर ऑन करते हैं ऑफ करते हैं हम लोग कोई पीपीडी बनाते हैं कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं कुछ भी करते हैं तो उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं ठीक है इधर लिखा हुआ है देखिए इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर कॉम्पोनेट सच एज दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो की सीपीयू हम लोग को पता ही है मेमोरी स्टोरेज इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर जो भी है एसेट्रा एसेट्रा जो भी है वो हम सबको पता है दैट व्हाट इज सीपीयू व्हाट इज मेमोरी स्टोरेज इनपुट डिवाइसेस ठीक है इनपुट डिवाइसेस सबको पता ही है कीबोर्ड हो गया माउस हो गया माइक्रोफोन हो गया बहुत सारा है लिस्ट में आउटपुट डिवाइसेस वी ऑल नो मॉनिटर हो गया प्रिंटर हो गया सो so, पे देखिए ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द दूटर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इज मेड पॉसिबल थ्रू सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेरियस एप्लीकेशन ठीक है तो ये जो कंप्यूटर का जितना भी ये टास्क परफॉर्म हो रहा है जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है सॉफ्टवेयर के हेल्प से हो रहा है ठीक है कंप्यूटर में हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है एप्लीकेश सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आ गया ठीक है जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आपका आई है या सॉरी मैक मैकओएस है आई आपका जो होता है वो मोबाइल में होता है फॉर कंप्यूटर इट्स मैक एस ठीक है जो आपका विंडोज हो गया या आपका कोई भी लिनक्स हो गया कुछ हो गया तो वो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है जो भी है पीपीटी हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया आपका एडोप्ट फोटोशॉप हो गए वो सब जो है इन सब के हेल्प से इन सब का एक कॉम्बिनेशन साथ में काम करता है जिस वजह से जो हमें आउटपुट है वो मिलता है जो भी हम लोग डेटा उसको देते हैं वो प्रोसेस करके वो आउटपुट देता है राइट तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कि दिस इज द बेसिक थिंग जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हार्ड में आएंगे तो हार्डवेयर जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है इट रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड फील वी ऑल नो व्हाट इज़ हार्डवेयर हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं हम लोग फील कर सकते हैं जो कि फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर एंड दिस इंक्लूड्स दी सी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसिस इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज जो भी है एंड अदर पेरीफरल वट इज़ पेरीफरल लाइक बहुत लोगों को पता नहीं होगा पेरीफरल क्या होता है जो भी चीज़ है जो कंप्यूटर के आसपास होता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है

कंप्यूटर का जो सीपी है उससे कनेक्टेड होगा दैट इज कॉल्ड अ कॉल्डल ठीक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो वील नो क्या होता है इट द प्रोग्राम एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द दूटर्स हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म टास्क इट इंक्लूड सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मेक्स हार्डवेयर रिसोर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक द दर्ड प्रोसेसर गेम्स जो कि मैंने आपको अभी बोला दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि दो तरह के सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज़ हो गया या मैक ओएस हो गया या लिनक्स हो गया कुछ भी हो गया एंड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि लाइक like वर्ड हो गया या गेम्स हो गया या एड ऑफ फोटोशॉप हो गया कुछ भी हो गया तो ये है दो मेन डिफरेंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में और दिस इज़ मोस्ट बेसिक थिंग आई थिंक इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास दो चीज़ें आती है एक है डेटा एक है इंफॉर्मेशन राइट सो द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू से कि डेटा जो है लाइक like, डेटा को बहुत लोग डाटा भी बोलते हैं सो लाइक दीप करेक्ट जो उच्चारण है इसका इसका वो होगा डेटा ठीक है डाटा नहीं सो प्लीज करेक्ट टू योर सेल्फ तो जो डेटा है वो क्या है और इन्फॉर्मेशन है वो क्या है अगर मैं सिंपल शब्द में बताऊँ तो डेटा जो है लाइक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है अब फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता ही है क्या होता है जो कि रॉ मतलब लाइक like, जैसे कि मैंने बोला हंड्रेड के जी ऑफ अनियन या मैंने बोला मेरा नाम ही बोल दिया शौनक चक्रवर्ती ठीक है और इंफॉर्मेशन क्या है और डेटा मतलब ये भी हो सकता है कि लाइक like, मैंने अगर बोला कि नेम uh, इज शौनक चक्रवर्ती ये भी डेटा के फॉर्म में ही आता है अब इंफॉर्मेशन क्या होगा इन्फॉर्मेशन यह है कि जो हमारे पास जो रॉ एंड फिगर्स है जो है, उसको हम लोग एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं उस पे, तब होता है वो इन्फॉर्मेशन ठीक है कोई भी डेटा हमारे पास आ गया लाइक ये हम एग्जिट पोल का डेटा ले लेते हैं डेटा हम लोगों को ये कुछ मतलब कुछ पार्टीज़ का दिया हुआ है और उनका कितना वोट परसेंटेज वो दिया हुआ है ठीक है हमने उन सारे डेटा को लेके कंबाइन किया और एक प्रॉपर एक एग्जिट पोल बनाया वो हमने दिखाया विश्लेषण दिखाया कि एग्जिट पोल का इस पार्टी का इतना प्रतिशत वोट शेयर मिल सकता है और इतने इतने में से इतने सीट्स मिल सकते हैं या उसका जो रेंज है वो वो हो सकता है तो दैट विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन तो डेटा इज लाइक यू कैन से एक थाली है ठीक है थाली के आसपास कोई आपका रोटी पड़ा हुआ है कोई सब्जी का एक बोल है उसमें सब्जी है चटनी का बोल है उसमें चटनी है ठीक है तो वो सब हो गया आपका डेटा और जैसे ही आप उस चटनी को थोड़ा सा लेते हो एक प्लेट में सब्जी को लेते हो रोटी को लेते हो अचार को लेते हो सब एक साथ लेके एक प्लेट में परोसते हो जिसका एक मीनिंग निकलता है दैट विल बी कॉल्ड एन इन्फॉर्मेशन ठीक है तो बेसिकली एक डेटा में और एक इंफॉर्मेशन में यही फर्क है कि डेटा जो है फैक्ट्स है लाइक इट विल इट विल बी और फिगर ठीक है वो भी सही है बट वो उसका कोई मीनिंग नहीं है मीनिंगलेस है वो सब बहुत सारे डेटा मिलके एक इंफॉर्मेशन हम क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो इधर मैं ये पूरा दिखा देता हूँ कि डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर इनपुट इन टू अम्प्यूटर इट कैन बी इन दम ऑफ नंबर्स टेक्सट इमेज और एनी अदर फॉर्मैट डेटा बाई इट कंटेक्स एंड मीनिंग बोला कि का कोई context या meaning कुछ नहीं होता ठीक है जब भी बहुत सारे एक साथ मीनिंग क्रिएट करते हैं तब हम उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं इंफॉर्मेशन का भी हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज डेटा दैट हैज मीनिंगफुल रिलीवेंस ठीक है जो कि मीनिंगफुल है लाइक like उसका एक मीनिंग निकल रहा है और उसका एक रिलिवेंस है उसका एक इम्पॉर्टेंस है तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग रॉ डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग एंड मेक इट यूजफुल ठीक है तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग रॉ डेटा ठीक है जो रॉ डेटा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं एक साथ लाते हैं टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग फुल एंड मेक इट यूजफुल आपको यूजफुल भी होना चाहिए इनफॉर्मेशन जब तक वो चीज यूजफुल नहीं होगा तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन मेकिंग गेन इनसाइट्स और अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन जैसे कि मैंने आपको एग्जिट पोल का जो एग्जाम्पल दिया कि एग्जिट पोल में जितना भी आपका जो आपने डेटा कलेक्ट किया जो जो भी सर्वे लेते हैं जो उन लोग उन लोगों ने जाकर डेटा कलेक्ट किया तो उसमें से वो इन्फॉर्मेशन कब होगा तभी होगा जबकि कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस हो रहा है जो कि अंडरस्टैंडेबल है और एक मतलब उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है लाइक like उसका कोई मीनिंग ही नहीं है उसका क्यों कर रहा है उसका कोई अता पता नहीं है देन इट विल बी नॉट एन इन्फॉर्मेशन ठीक है तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि लास्ट स्लाइड पे इस वीडियो के जो कि है हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स ठीक है तो कंप्यूटर एक काम करता है उसका एक अलग से सिस्टम है तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इधर एक इनपुट डिवाइस है यहाँ पे सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है एंड आउटपुट डिवाइस और यहाँ पे मेन और इंटरनल मेमोरी है ठीक है तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग अगर इस सिस्टम को ध्यान से समझे तो इनपुट डिवाइस से जो भी हम लोग इनपुट जा रहा है जो कि की कीबोर्ड से या माउस से कुछ भी इनपुट डिवाइस है उससे इनपुट जा रहा है किसके पास सीपीयू के पास सीपी से हमको आउटपुट मिल रहा है आउटपुट डिवाइस है थ्रो दी मॉनिटर हमको आउटपुट मिल रहा है तो उसके बीच में देखिए यहाँ पे ये इंटरनल मेमोरी है तो सीपी जो है मेमोरी के साथ एक तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया है उसके लिए कुछ भी हमें जो मेमोरी का जो काम है जैसे कि रैम हो गया जो कि है रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी तो इन इनका भी काम आता है इसमें तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में तो यहाँ पे देखिए ये जो एरो मैंने बनाया है ये एरो इनपुट डिवाइस से एरो आगे जा रहा है सीपीयू में और सीपी से एरो आगे जा रहा है आउटपुट एरोक्शन में राइट right? तो ये एरो एक ही डायरेक्शन में है है ठीक बट यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे क्या जा रहा है डेटा जा रहा है राइट यहाँ पे दिया हुआ है एज यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या जा रहा है डेटा जा रहा है और ये जो एरो यहाँ पे दिया हुआ है ये दोनों डायरेक्शन में है क्यों क्योंकि सीपीयू से जो इंटरनल मेमोरी का काम है वो दोनों जो है डायरेक्शन में है like लाइक ये अप डायरेक्शन में भी है एंड डाउन डायरेक्शन में भी है मतलब यहाँ से डेटा जा भी रहा है एंड आ भी रहा है सीपीयू से जो मेमोरी में तो यहाँ पे ऐसे है कि एक बार हमने अगर कीबोर्ड में कुछ टाइप कर दिया वो ऐसा नहीं होगा कि कुछ सीपीयू यू में दे रहा राइट दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग ऐसा नहीं होता ना कि हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं एंड कीबोर्ड में आ रहा है इन्फॉर्मेशन ऐसा तो नहीं होता है इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ आता है हमें मॉनिटर में आता है कुछ भी हम लोग कुछ प्रिंट करते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ आता है प्रिंटर में आता है जो भी प्रिंट कर रहे हैं उसका पेपर प्रिंटर से आउट होता है राइट तो ये एक बार यहाँ से चला गया तो ये वापस नहीं आ सकता मतलब ये दिस विल बी इम्पॉसिबल कि हम लोग सी पी यू से इनपुट डिवाइस में आ रहा है या आउटपुट डिवाइस से सी पी यू में आ रहा है हम लोग ऐसा तो नहीं करते है ना कि हम लोग जो है जो पेपर है वो हम लोग जो प्रिंटेड पेपर है वो हम लोग प्रिंटर में डाल रहे हैं ऐसा तो नहीं होता प्रिंटेड से प्रिंटेड पेपर जो है निकल के आता है दैट इज द करेक्ट थिंग तो इसीलिए डेटा यहां से इनपुट डिवाइस से डेटा आगे जा रहा है सीपी के पास यहाँ पे जो है इंटरनल मेमोरी के साथ हाँ कॉर्डिनेशन हो रहा है देन हमारा जो डेटा है वो आउटपुट डिवाइस में जा रहा है आउटपुट डिवाइसिस कैन बी एनी इट कैन बी मोनिटर इट कैन बी अ प्रिंटर और एनी अदर डिवाइसेज दिवा� ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आप अगर आपको पसंद आया है देन स्टे ट्यून एंड जस्ट लाइक बटन को हिट कर दीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो हमें मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल बी क्रिएटिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस इन फ्यूचर सो टिल देन स्टे ट्यून एंड गॉड ब्लेस यू